गाइस व्हाट्स अप, दिस पंकज एंड यू आर वाचिंग रिव्यू आर्टिस्ट। सो फ्रेंड्स, आज हमारे पास है पल्सर RS200। तो गाइस लेट्स बिगिन द वीडियो। गाइस बात करते हैं गाड़ी के फ्रंट लुक से। तो फ्रंट में आपको मिलेगा प्रोजेक्टर्स मिल जाएंगे, आपको इंडिकेटर्स मिल जाएंगे और साथ में आपको डिस्क ब्रेक भी दिया गया है एलो व्हील के साथ। तो गाड़ी की जो फ्रंट लुकिंग है वो काफी ऑसम है, काफी एट्रेक्टिव बनाती है। और इसमें आपको डीआरएस भी दिए गए हैं, यहाँ पे व्हाइट कलर के डीआरएस भी दिए गए हैं जो काफी को सामने देखने में काफी एट्रेक्टिव बनाते हैं। चलते हैं गाड़ी के साइड्स पे, देखते हैं कैसा कैसे दिया गया है। गाड़ी के हम साइड्स पे और यहाँ पे आप देखेंगे जो पोस्चर है, जो लुकिंग है वो साइड से काफी अच्छी दी गई है। कोई जो बॉडी है फाइबर बॉडी दी गई है और यहाँ पे आपको मिलेगा 200cc का इंजन। और ये जो इंजन है ये प्रोड्यूस करता है 25 bhp की पावर। और साथ में ये जो इंजन है ये लिक्विड कूल किया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे इसका साइलेंसर है, तो साइलेंसर काफी कॉम्पैक्ट बनाया गया है, इसकी जो साउंड है वो भी काफी अच्छी है। तो गाइस अब हम आ चुके हैं गाड़ी के ऊपर और जो गाड़ी का पोस्चर है वो काफी अच्छा है। सीट्स भी तो काफी कंफर्टेबल है, पिलियन सीट भी है वो काफी कंफर्टेबल दी गई है। तो आपको अगर आप कोई लॉन्ग डिस्टेंस राइड करते हैं तो आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। मैं आ गया गाड़ी के पीछे और यहाँ पे आपको जो लाइट्स हैं वो काफी अमेजिंग दी गई है, काफी अच्छी नई लुकिंग में दी गई है। यहाँ पे आपको LED इंडिकेटर मिल जाएंगे, ब्रेकिंग लाइट भी काफी अच्छी दी गई है और यहाँ पे आपको हैंडल्स मिलेंगे पीछे जो बैठा पिलियन उसको पकड़ने के लिए। तो बात करते हैं अब गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। गाइस बात करते हैं गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। और जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो काफी अच्छा दिया गया है, आपको कई सारे सिस्टम यहाँ पे मिल जाएंगे अवेलेबल, कई सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे आपको दिया गया है जो RPM मीटर है, यहाँ फ्यूल गेज मिल जाएगा, यहाँ पे स्पीडोमीटर दिया गया है, नीचे आपको मिलेगा ऑडो, ऊपर मिलेगा आपको टाइम, यहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा और साथ में आपको मिलेंगे दो ट्रिप का ऑप्शन। यहाँ पे आपको जो बेसिक इंडिकेटर्स हैं जैसे कि टेम्परेचर हो गया, बैटरी हो गई, न्यूट्रल गाड़ी पोजिशनिंग हो गई गियर की। और यहाँ पे आप मिलेगा आपको RPM लिमिटर, अगर मान लीजिए आप कोई गाड़ी को ज़्यादा रेव करते हैं या ज़्यादा उसको रेव करते हैं तो RPM मीटर। तो बात करते हैं साइड्स के गाड़ी की, जो हैंडल्स पे उस पर दिए गए बटन्स की। तो यहाँ पे आपको नीचे मिलेगा हॉर्न बटन और यहाँ पे मिलेंगे आपको इंडिकेटर स्विच, यहाँ पे आपको लाइट अप डाउन स्विच मिल जाएगा और यहाँ पे मिलेगा आपको पास बटन और यहाँ पे आपको मिलेगा इंजन क्यूल स्विच। और अभी जो मॉडल आ रहे हैं उसमें जो लाइट का बटन है वो ऑन ऑफ का वो बंद कर दिया गया है और नीचे आपको मिलेगा पावर बटन। तो गाड़ी की बात करें तो गाड़ी में आगे और पीछे दोनों साइड डिस्क ब्रेक्स दिए गए हैं जिससे गाड़ी की जो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो गाड़ी की जो लुकिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है। और आप देखेंगे तो सस्पेंशन भी जो दिया गया है, ये सस्पेंशन वो भी काफ़ी अच्छा दिया गया है। गाड़ी चलने में काफ़ी स्मूथ है, गाड़ी चलाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और गाड़ी जो है उसमें कई सारे कलर ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, प्लीज हिट द लाइक बटन, कमेंट एंड शेयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे। Yeah!